अगर हम VFX, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है भारत में। इस बार बजट में भी निर्मला सीतारमण जी ने साफ कहा है कि इस इंडस्ट्री के लिए जहां पर बहुत ज्यादा जॉब स्कोप है, प्रमोशनल स्कोप है, एक प्रमोशनल टास्क फोर्स बननी चाहिए। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है प्राइम फोकस के फाउंडर मिस्टर नमित मल्होत्रा। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू एकता। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, भारत के बाद अब आप नैस्डैक में लिस्ट होने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लिए और मेरे सारी कंपनी में जो ऑलमोस्ट 7,000 लोग काम करते हैं, इन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। और इस नैस्डैक लिस्टिंग के बाद हमारा ये मानना है कि इसके बाद सारी दुनिया अब हमें एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्में हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है, लेकिन उनके VFX भारत में मुंबई में स्टूडियो में हुए हैं। तो एक तो ऐसा है कि हम लास्ट कुछ 10-15 साल से काम कर रहे हैं, और फास्ट एंड द फ्यूरियस 9 जो आई थी रिसेंटली, वेनम जो आई थी, ड्यून, जेम्स बॉन्ड, जो ये सब बड़ी पिक्चरें जो ऑस्कर के लिए इस साल भी नॉमिनेटेड हैं, उन सब पे विदेशी आर्टिस्ट भी हैं, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट भी हैं, जिन्होंने साथ में काम करके वो क्वालिटी और वो आउटपुट डिलीवर किया है। जी नमित, जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत भी की और आप भी बता रहे थे कि हम एट पार हॉलीवुड के लेवल का एनिमेशन बना रहे हैं, इस बार बजट में भी ये साफ कहा गया है कि एनिमेशन हो, VFX हो, ऑडियो विजुअल, ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और यूथ के लिए बहुत ज्यादा जॉब एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। तो प्रमोशनल टास्क फोर्स की बात की गई है, अगर आप बता सके कि सब इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ मिलकर आगे का कदम क्या होने वाला है और एज एन इंडस्ट्री प्लेयर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह IIT और बड़े बड़े कॉलेजेस में इंजीनियर बनते हैं, उसी तरह हमारे आर्ट स्कूल से जो टैलेंट आ सके उनका, उनको ये मानना जरूरी है कि अगले 10-15-20 साल के लिए हिंदुस्तान का झंडा जो है इस कार्य में काफी ऊंचा और जा सकता है। और ये एक रियल अपॉर्चुनिटी है, गेम बनाना या गेम खेलना और फिल्मों के अंदर VFX करना, एनिमेशन करना, ये एक रियल करियर है। स्कूल बने, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, मौका गवर्नमेंट से और इंसेंटिव्स प्राप्त हो, कंपनीज को जो नए लोगों को मौका दें, एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उन सब चीजों का जो बेनिफिट जो IT इंडस्ट्री को मिला है, अगर इस इंडस्ट्री को भी मिले, उससे हम काफी लोगों को आगे और जल्दी और बड़े दायरे से आगे लेके जा सकते हैं। ऐसा होना जरूरी है कि हम ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना और एक फोकस डालना उसके ऊपर कि ये जरूरी है हमारे खुद की कंट्री की लीडरशिप के लिए। आपकी पर्टिकुलर VFX इंडस्ट्री की बात करें, गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, ABCG जिसे कहा गया है, ये कितनी बड़ी हो सकती है 2022-23 में, कितनी बड़ी मार्केट हो सकती है? ये तो काफी मतलब बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है और काफी ग्रो हो रही है काफी तेजी से। कोविड के चक्कर में काफी जो प्रोसेसेस जो होते थे फिल्मों को शूट करने के, जो तरीके होते थे, जो सेट पे जाते थे, काफी कुछ आज डिजिटली हो रहे हैं। तो हमारा जो आज हम जो क्रिएशन कर रहे हैं वो मेटावर्स, जो आज बहुत बड़ी एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है गेमिंग के अंदर, डिजिटल कैरेक्टर्स, जो डिजिटल ह्यूमंस जो जिन्हें कहा जाता है, हम उन्हें क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये अगले 2 या 5 सालों में इसका जो योगदान है ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जो आप आज फिजिकली शूट नहीं कर सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, या आपके पास खर्चा उसको पूरी टीम को एक साथ लेके कहीं जाके शूट करने का, अगर उन चीजों की लिमिटेशंस हैं जो आज दुनिया ने लास्ट पिछले 2 साल में देखा है, इसे हम डिजिटली कुछ भी आज क्रिएट कर सकते हैं।